अवध स्टार यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैं आज आपको क्षेत्रमिति यानी मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताता हूँ कि क्या चीज़ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं, आप नाम से ही समझ रहे हैं, क्षेत्र से संबंधित है। तो जानते हैं क्षेत्रमिति क्या है। सबसे पहले प्रश्न यही उठता है, जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। क्षेत्रमिति में हम क्या करते हैं, जिसमें ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन का निष्पत्ति यानी डेरिवेशन करते हैं और उनका फिर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका मेंसुरेशन, जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसमें जो ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, ठीक है, उनका क्षेत्रफल और आयतन का डेरिवेशन और उनका प्रयोग करते हैं, यही आपका क्षेत्रमिति कहलाता है। ठीक है, तो आइए क्षेत्रमिति में हम बात करते हैं कि ये इसमें और क्या चीज़ होता है जो आपकी ये ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं उनके बारे में समझते हैं। क्षेत्रमिति में द्विविमी और त्रिविमी ये आकृतियाँ हम देखते हैं। द्विविमी यानी जिसे हम 2D कहते हैं, टू डायमेंशनल, 2D, जिसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई चौड़ाई। जैसे आप लोग एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है ना, तो भाई इधर लेंथ या मान लीजिए इधर आप विड्थ मान लीजिए या विड्थ इधर लेंथ मान लीजिए, लंबाई चौड़ाई यही होता है ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई हो 2D कहलाता है, टू डायमेंशनल एक्स वाई अक्ष वाला। त्रिविमी 3D, जिसमें क्या हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, क्या होना हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो वो 3D यानी त्रिविमी आकृति कहा जाएगा, ज्यामितीय आकृति। ठीक है, और सिर्फ लंबाई चौड़ाई है तो क्या कहा जाएगा, द्विविमी या 2D कहा जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं द्विविमी यानी 2D में क्या क्या चीज़ आता है, भाई कौन कौन आपकी जो है ज्यामितीय आकृति आती हैं, क्या आता है भाई, चतुर्भुज आता है, त्रिभुज आता है, वृत्त आता है। क्या आता है, चतुर्भुज आता है, त्रिभुज आता है और वृत्त आता है। ठीक है, और त्रिविमी में क्या आता है भाई, 3D में घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। ठीक है, ये सब आते हैं। तो चतुर्भुज आप जान ही रहे हैं, चतुर्भुज कौन आता है भाई, चतुर्भुज आपका क्या आता है, आयत आता है, वर्ग आता है, समलंब आता है, समांतर चतुर्भुज आता है, सम चतुर्भुज आता है, यही सब आता है ना। और त्रिभुज में क्या आता है भाई, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये सब त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। अभी तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, जो किसी को सेंटर मान के कोई डिस्टेंस ले, कुछ दूरी लेकर उसे चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घुमा दें, वो क्या होता है, वृत्त होता है, जिसमें हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो ये चीज़ें आपने देखा जो है ज्यामिति आकृतियाँ जो क्षेत्रमिति में आती हैं 2D में और 3D में। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन के बारे में यानी क्षेत्रमिति। तो क्लास 9th में ये है, हमको इसे पढ़ाना है, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला,
इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, इनके हमें आयतन का फार्मूला निकालना है और वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो आइए आपको हम क्षेत्रमिति में बताते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ क्या चीज़ होता है? इंग्लिश में इसे क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या चीज़ है, थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। घनाभ, इसमें क्या होता है, ये फिगर आपका बना हुआ है चित्र सामने, ये ज्यामितीय आकृति बनी हुई है। ये क्या होता है, थ्री डायमेंशनल होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें होती है। इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है, कोई मतलब एक अलग होगा, ठीक है ना। लंबाई क्या होती है, L, चौड़ाई क्या होती है, V, और ऊंचाई H, इकाई मान लेंगे आप सेंटीमीटर या मीटर, ठीक है भाई। लंबाई का क्या होता है इकाई, मात्रक मीटर होता है ना, सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता है। तो लंबाई इसमें हमने माना L, चौड़ाई B, ऊंचाई H है, H इकाई। तो इसमें आप ये भी जानते होंगे कि भाई जो इसमें जो फलक होते हैं, आप जो देख रहे हैं, एक जैसे कमरा हुआ, रूम देख लीजिए आप, रूम में क्या होता है, एक नीचे फलक होता है जिसे फर्श बोलते हैं, और ऊपर छत होता है, और उसके अगल बगल चार दीवारें, तो कुल टोटल कितने हो गए, छह फलक हो गए ना। लेकिन फलक इनके कैसे होते हैं, आयताकार, इसलिए मैंने पहले लिखा ये आयत से मिलकर बनता है, ठीक है। इसमें कुल मिला के देखा जाए तो चार दीवारें, एक छत, छत और एक फर्श हो गया, तो कुल मिला के छह फलक हो गए। उसे क्या बोलते हैं, फलक जो आयताकार होते हैं, जितने फलक होते हैं इसमें छह सब क्या होते हैं, आयताकार। उसमें लंबाई चौड़ाई, भाई लंबाई अलग हो गई, चौड़ाई अलग हो गई, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई अलग होती है। तो इस तरीके से इसमें छह फलक होते हैं और आठ शीर्ष होते हैं। ये शीर्ष देखा आपने, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये शीर्ष है। और कितने कोर होते हैं, बारह कोर, ये जो लाइनें एक दूसरे शीर्ष से मिला रही हैं सब, टोटल कुल कितनी है, बारह हैं ये लाइनें, ये एक दूसरे शीर्ष से मिल रही है ना, ये देखिए, ये यहाँ देखिए शीर्ष मिल रही है, ये शीर्ष मिल रही है, ये उस शीर्ष से मिल रही है। टोटल अगर आप लाइनों को देखेंगे तो कितने होंगे, कुल हैं बारह, ठीक है। ये आप कक्षा आठ या सात में पढ़े होंगे। तो आइए बात कर लेते हैं अब इनके फार्मूले के बारे में, क्योंकि हम घनाभ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो घनाभ के फार्मूले भी कुछ हैं, क्या निकालते हैं इसमें हम। सबसे पहले देखते हैं घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला होता है। घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये लेंथ विड्थ हाइट, इस चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका इकाई किसमें होता है भाई, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। क्या करते हैं, ऐसे इकाई अगर आप लिए, इकाई कैसा हो सकता है भाई, सेंटीमीटर क्यूब लेंगे या मीटर क्यूब ले सकते हैं, नहीं, और कोई भी इकाई अगर ले रहे हैं तो वो क्यूब में ही होगा, या ये सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, घन सेंटीमीटर, क्या बोलेंगे, घन सेंटीमीटर या घन मीटर भी बोलते हैं इसको, जो क्यूब होता है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, ये तो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी एल एल बी एच। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठ होता है सब, टोटल जो पृष्ठ, कैसे निकालते हैं भाई, दो ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये आपका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इकाई क्या होगी, स्क्वायर होगी, वर्ग होगा, ये तो आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं, यानी घनाभ ये है इसके विकर्ण की, जैसे ये विकर्ण हो गया ना, इसमें एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, इस तरह के जो विकर्ण है उस
की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई का। ठीक है भाई, लंबाई कैसी होगी, मीटर सेंटीमीटर या और भी कही है, तो आप ले सकते हैं इसको। तो अब हम बात करते हैं घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र पर कैसे निकालते हैं भाई। इसमें इसका मतलब यह हुआ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब छत छत और फर्श छोड़ दीजिए इनको, तो चार दीवारें ही तो बचेगी ना, अगल बगल चार दीवारें होंगी। अगर छत को आपको छोड़ देना, छत को और फर्श को छोड़ देना है, वही क्या कहलाता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं कमरा रूम क्या है, ये घनाभ ही है नहीं, तो इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र क्षेत्रफल, या इसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं, बराबर क्या होता है, दो ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इसका फार्मूला होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आपको क्या करना है, छत को और फर्श को छोड़ देना है। आई बस समझ में, मतलब इसको और इसको छोड़ देना है, तो चार दीवारें हैं उन्हीं को हम काउंट करेंगे। ठीक, ये बातें हो गई घनाभ की, क्यूबॉइड की। तो अब इसमें हम आयतन निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, यही करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए और अब इस पे हम क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन हम लेते हैं घनाभ का। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई से दुगनी और ऊंचाई से तिगुनी है और उसका आयतन 36 घन सेंटीमीटर है। उसका आयतन 36 घन सेंटीमीटर है तो चौड़ाई क्या होगी? देखिए क्वेश्चन, आपको ये मैंने ये बनाया हुआ है आयताकार ठोस, इसका आपको आयतन दिया है, आयतन कितना है 36 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन में ही आपको ये आयताकार बॉक्स है, ठीक है, आयताकार ठोस बॉक्स, क्या वो मतलब ठोस है, एक तरह घनाभ है, ये घनाभ है। घनाभ का इसमें क्या है, लंबाई जो है, सवाल में मैंने भी पढ़ा, लंबाई जो है चौड़ाई की कितनी है, दुगनी है, और फिर लंबाई ऊंचाई की भी कितनी है, तिगुनी है, तीन गुनी है, और इसका आयतन आपको 36 सेंटीमीटर क्यूब दिया है और आपसे पूछ रहा है चौड़ाई क्या होगी, इसकी क्या पूछ रहा है, चौड़ाई इस घनाभ की क्या होगी। तो आइए इसका हल करते हैं सॉल्यूशन। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा लंबाई कितनी है भाई, लंबाई चौड़ाई की कितनी है, दोगुनी है, तो यहाँ से चौड़ाई आप निकाल लेंगे, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, एल वाई टू सेंटीमीटर आ जाएगी, और आपको तिगुनी दिया है, तीन गुना, तो लंबाई बराबर क्या दिया है, तीन, ये है ना तीन गुना ऊंचाई की, तो आप यहाँ से ऊंचाई भी आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा भाई, ऊंचाई आ जाएगा एल वाई, ये तीन इसके नीचे आ जाता है। तो आपको देखिए, आपको चौड़ाई भी पता चल गई और ऊंचाई पता चल गई है, लेकिन ये किस में है, ये एल वाई थ्री और ये एल वाई टू, इस तरीके है, इस तरीके का है, आपको इसका मान निकालना है। तो बस आप फार्मूला लगा दीजिए कि घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है भाई, घनाभ के
आयतन, घनाभ का आयतन लीजिए। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एच, एल बी एच। तो बस आप मान रख दीजिए, इसमें क्या होगा भाई? आयतन कितना दिया है आपको सवाल में? दिया है 36। यहाँ लिख देंगे 36। एल कितना है? एल एल ही रहेगा। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितना है? एल बटे दो। और ऊंचाई कितना है? एल वाई एल बटे तीन। तो 36 बराबर एल क्यूब द्वितीयाई 6, तो एल क्यूब बराबर क्या? अच्छा, का इसमें 36 गुणा करिए, 36 गुणे 6, 3 गुणा कर देते हैं ना, तो 36 का 6 से गुणा हो जाएगा, एल क्यूब का गुणे बटे 1 करके इसका निकालेंगे, एल क्यूब बराबर 36 गुणे 6 हो जाएगा। तो एल क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? 216। तो एल बराबर कितना आएगा? इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्यूबिक रूप में हो जाएगा ना ये। तो 216 का घनमूल निकालिए भाई, यानी एल बराबर कितना आ जाएगा? 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। इसका आप गुणनखंड करेंगे 216 का, दिया जाएगा। उसके बाद एल बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ये एल आया, ये क्या आ गया? एल 6 सेंटीमीटर, यानी लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, जब लंबाई आ गया, चौड़ाई तो निकाल लेंगे, चौड़ाई तो यही है ना, ये देखिए एल बाई टू ये है ना। अब यहाँ एल की जगह 6 रख देंगे, 2 का भाग कर देंगे, तो 2 तिहाई, तो 3 सेंटीमीटर आपका चौड़ाई आ जाएगा। चौड़ाई बराबर क्या लिखेंगे? यहीं लिख लीजिए, जगह थोड़ा कम है। चौड़ाई बराबर हो जाएगा एल बाई 3। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे, यहाँ लिख दूँ? ठीक है, तो चौड़ाई बराबर आ जाएगा 6 बटे 2, 2 तिहाई, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये इसका उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा यहाँ पे आप समझ जाइएगा, क्योंकि ये देखिए ये एल यहाँ समझ गया ना कैसे निकालना है। ये घनमूल इसका निकालेंगे, एल बराबर निकालेंगे तो 216 का घनमूल हो गया है। ठीक है, 6 गुणे 6 इसका कर लेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6 निकाल लेंगे आप। ठीक, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा? चौड़ाई ये एल वाई ये 3 है, तो यहाँ से 2 6 में 2 का भाग कर देंगे, तो आ जाएगा। ठीक, यही आंसर है।